भोपाल से एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती के साथ दोस्ती की, फिर शादी के नाम पर 2 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया। आपको बता दें कि बड़वानी के बाद भोपाल में भी लव जिहाद का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते नए कानून के तहत भोपाल में पहला मामला दर्ज हुआ है। आरोपों की माने तो 30 वर्षीय मैकेनिक ने असद ने आंसू बनकर 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया था। शादी के नाम पर वह 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा, फिर वह युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी असद को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में MP धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। युवती से दोस्ती के वक्त असद ने खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताया था। पीड़िता के अनुसार मार्च 2020 में युवक एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। उसके बाद युवती के सामने उसकी हकीकत आ गई। युवती ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने नाम असद बताया और कहा कि मैं एक साधारण मैकेनिक हूं। इसके बाद पीड़िता युवती ने उससे दूरी बनाने लगी, लेकिन असद धर्मांतरण कर पीड़िता पर शादी के दबाव बनाने लगा। साथ ही निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगा। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर अश्लील कमेंट भी करता था। बताया जा रहा है कि पीड़ित 23 वर्षीय युवती बालाघाट की रहने वाली थी तथा इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की छात्रा है। अशोका गार्डन इलाके में किराए के मकान में रहती है। 2 साल पहले आंसू से उसकी दोस्ती हुई थी, जो कि खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताता था। उसके बाद आंसू ने खुद को हिंदू बताकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही शादी करने की इच्छा जाहिर की। वहीं SP राजेश सिंह भदौरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा और अन्य धाराओं में भोपाल में यह पहला मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि भोपाल में भी यह एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, जो कि युवक ने पहले युवती के साथ दोस्ती की, फिर शादी के नाम पर 2 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया। बड़वानी के बाद भोपाल में यह लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है। जनवरी जो लास्ट इंसिडेंस है 11 जनवरी 2021 को, जब पीड़िता अशोका गार्डन थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं जा रही थी सब्जी मंडी के पास अपनी फ्रेंड के साथ में, उस समय भी पुनः आरोपी आया और आरोपी ने इसको धर्म परिवर्तन के लिए निकाह करने के लिए पुनः के इसके बरगलाने का प्रयास किया और जब अंततः फरियादिया नहीं मानी, पीड़िता नहीं मानी, तो इसमें अंततः धमकी भी दी और जिस पर से आज 11 जनवरी की जो घटनाक्रम को लेकर के आज पीड़िता अपने अन्य मिलने वालों के साथ रिश्तेदारों के साथ यहाँ थाना उपस्थित हुई, जिस पर से धारा 376, 354 IPC साथ साथ अनुसंगिक धारा 294, 506 भी लगे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधि 2020 का सेक्शन 3/5 ये भी लगा है, जिसमें किसी को धर्मांतरण के लिए विवश करना, उसको उकसाना, परेशान करना या धमकी देना, ये सभी तथ्य इसमें स्पष्ट हुए, जिस पर से आरोपी जो आंसू के रूप में था, बाद में चिन्हित हुआ कि असद है, वो उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.